दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मेंसुरेशन के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में बेहद ही वीक हैं, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि 4 से 5 मिनट का समय जरूर दें। इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, उसके पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में दी जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रॉब्लम को। देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का डायग्राम मैंने बना दिया है और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे साइड्स का रेशियो जो है वो 4:3 के फॉर्म में है, यानी अगर हम लेंथ और ब्रिथ का जब रेशियो लेंगे तो वो 4:3 के फॉर्म में दिया गया है। इसका एरिया जो है 1728 मीटर स्क्वायर दिया गया है। आपको जो है फेंसिंग कास्ट इवेल्युएट करनी है। फेंसिंग का मतलब यह हुआ कि अगर इस फील्ड के चारों ओर अगर हम तार से कवर करें तो हमें उसका कॉस्ट इवेल्युएट करना होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि 1 मीटर तार अगर आप लगवा रहे हैं बाउंड्री पे तो 1 मीटर के पीछे आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास साइड्स का इन्फॉर्मेशन रेशियो के फॉर्म में है, तो ये तो पता है नहीं कि लेंथ क्या है और ब्रिथ क्या है। एरिया दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लेंथ और ब्रिथ हमें पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेंथ 4x है और ब्रिथ है 3x। तो आपको जो है ये पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है दैट इज एल इंटू बी। तो एरिया का रिजल्ट है 1728 मीटर स्क्वायर, इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेंथ है 4x, विथ है 3x, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, बिकॉज x आपका दो बार आया तो पावर के रूप में 2 यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए। और ये है 1728 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस 12 को अगर हम हटाएं, तो यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 12 को हटाओगे तो नीचे डिवाइडेशन आएगा। तो नीचे कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर देते हैं, 1728 डिवाइडिंग बाय 12, और यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं छोटा में मीटर स्क्वायर छोड़ रहा हूँ मैं, तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या करें कि 1728 को 12 से आप डिवाइड करें, तो अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 12 1 12 क्लियर 12 4 48 एंड 12 4 48, यानी अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 144 मिलेगा। मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये जो 144 जो आप देख रहे हो ये 12 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 144 को हटा करके इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पावर जो है वो सेम है, यानी यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। तो यहाँ पे अगर हम पावर्स हटा देते हैं तो हमें दोनों साइडों का पावर हटाना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जो एक्स की जो वैल्यू जो मिलेगी वो सीधे हमें क्या मिल जाएगी, 12 मीटर हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इस हिस्से को हम क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि लेंथ को आपने 4x माना हुआ था, तो यहाँ पे हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ आपने लिया था 4x और यहाँ पे x की वैल्यू आप लाए हो 12 मीटर, तो यहाँ पे लेंथ हो गया 48 मीटर, यानी CD या AB, चूंकि रेक्टेंगल में आपने साइड इक्वल होता है, तो जितना CD होगा उतना आपका AB भी होगा, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि CD जो है 48 मीटर आपने निकाल लिया है। उसी तरीके से अब हम लोग विथ निकालेंगे, तो विथ अगर आप निकालेंगे तो विथ कितना है, 3x है, तो यहाँ पे 3 × 12 मीटर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 36 मीटर। तो BC की लेंथ AD के इक्वल होगी, तो ये 36 मीटर हो जाएगा। अब चूंकि फेंसिंग कास्ट निकालना है, तो आप ये समझो कि ये जो तार जो लगेगा कहाँ लगेगा, इस फील्ड के बाउंड्री पे ही तो लगेगा, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री लेंथ आपको निकालनी होगी। और बाउंड्री लेंथ कैसे निकालोगे, तो बाउंड्री लेंथ को हम पेरीमीटर भी कहते हैं। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 × (l+b). तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रिथ को ऐड कर लेंगे, तो लेंथ कितना निकाले हैं, 48 मीटर, और ब्रिथ कितना निकाला हमने, 36 मीटर, इसको आप ऐड कर लो,
तो देखो क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड करोगे तो 8 एंड 6 14, 4 3 7 एंड 1 8। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो हमें 168 मीटर हमें मिल जाएगा, यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो भी पेरिमीटर जो होगा वो 168 मीटर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको फेंसिंग कास्ट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। मैं करना कुछ है नहीं, बस देखो ऑलरेडी जो है 1 मीटर का कॉस्ट दिया गया है और वो क्या दिया गया है, 30 रुपीज़ पर मीटर, यानी 1 मीटर के बीच है 30 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो जो टोटल वायर का जो लेंथ होगा वो 168 मीटर का होगा, तो यहाँ पे 168 मीटर ये तो वायर का लेंथ है, इसी में आप 1 मीटर के कास्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर यहाँ पे रुपीज में आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं रुपीज लिखना भूल गया हूँ, मैं रुपीज लगा लीजिएगा। अब देखो 38 जा 24, 36 जा 18 एंड 2 20, क्लियर, और 31 जा 3 एंड 2 5, और इसमें ये जीरो लगा दो, यानी जो फेंसिंग कास्ट जो आएगा वो 5040 रुपीस का आएगा। अगर आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए, आपको जिस चैप्टर पे दिक्कत आती है उसके प्लेलिस्ट पे जो लिंक जो दिया गया उस पर क्लिक करें, उन वीडियोस तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। और वीडियोस को पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सीक्वेंस में देखो अगर आपको कुछ बेहतर सीखना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।